नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा, एमडी फिजिशियन, ऑनलाइन कंसल्टेंट। आज आपको प्लांटर वॉर्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो पहले मैं बता देता हूँ, अगर आपको भी प्लांटर वॉर्ट है, जो कि हाथों पे या वॉर्ट हो जाते हैं, अंगुलियों में हो जाते हैं, या प्रेशर सोल पे हो जाते हैं, पैर के नीचे अंगूठे पे हो जाते हैं, तो इनका क्या इलाज है, क्या कारण है और कैसे इनको हम ट्रीट करें, तो आज हम सब इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अगर आपको भी वॉर्ट है और अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में रहेगा, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप नंबर पे जाके अपॉइंटमेंट बुक करें। तो प्लांटर वॉर्ट किस में होता है? ये वायरल इन्फेक्शन से होता है। एक तो होता है कॉनस, तो वो एक अलग चीज है, ये वॉर्ट है। कई बार वॉर्ट को समझ नहीं पाने के कारण इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो प्लांटर वॉर्ट में जरूरी नहीं कि आप उसको सर्जरी के द्वारा, माइनर सर्जरी के द्वारा निकलवाए ही। कुछ दवाइयां हैं जिससे वॉर्ट ठीक हो जाता है। अब आप सोचेंगे कि बहुत सारे वॉर्ट हैं जिनको हम गला देंगे, जला देंगे, पर वो एक अच्छा नहीं है। आप एक वॉर्ट खत्म करेंगे, जलाएंगे तो दूसरा वॉर्ट हो जाता है, तीसरा आ जाता है, चौथा आ जाता है, हाथों में आ जाते हैं, मल्टीपल बहुत सारे हो जाते हैं। तो अब उस केस में क्या है, आपको स्किन में जो डिसऑर्डर हो रहा है उसको करेक्ट करना है। ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 6 और 11 स्ट्रेन से होता है। जेनाइटल वॉर्ट का मैंने अलग सेक्शन लिया था। अब ये किनको होता है, जिनके मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, बहुत सारे संबंध बनाते हैं शारीरिक, उनको हो सकता है, या फिर कोई इन्फेक्टेड पर्सन का आपने टॉवल यूज करा हो या उसके बाथरूम को यूज करा हो तो भी ये हो सकता है। अब इसका डायग्नोसिस कैसे है, डायग्नोसिस क्लिनिकल है, देख के समझ में आता है। जो व्हाइट व्हाइट सा वॉर्ट होता है उसके बीच में दो ब्लॉक ब्लैक डॉट दिखेंगे, जो कि कैपिलरीज की सप्लाई होता है। अब जो वॉर्ट होते हैं वो पेनफुल होते हैं, ठीक है, उसमें दर्द होता है। इसको आप ये मत समझिए मोलस्कम कॉन्टाजियोसम, ये सब नहीं है। ये जेनाइटल पे भी होता है, उसका ट्रीटमेंट मैंने अलग से बताया है। और ये हाथों में, अंगुलियों में, पैरों में होता है वॉर्ट। तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट तो जो कह रहे हैं सैलिसिलिक एसिड यूज करो 20%, 30%, 40% तक, या उसके पैचेस यूज कर सकते हैं, या फिर लैक्टिक एसिड पेंट आता है वो यूज कर सकते हैं। पर अब बात उठती है कि इनको परमानेंट कैसे खत्म करेंगे, वॉर्ट दोबारा हो ही नहीं, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। ये वॉर्ट उनको आते हैं जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, शरीर कमजोर होता है, पर जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है, इम्यूनिटी मेंटेन रहती है, उनको ये वॉर्ट्स होते नहीं है। तो जो मेरा मेन फोकस है ट्रीटमेंट का वो यही है कि मैं इम्यून सिस्टम पे वर्क करता हूं। और ये मान के चलिए आपको फ्यूचर में कभी कोई वॉर्ट होगा ही नहीं, एक बार आपका इम्यून सिस्टम पे वर्क करके, लाइफ स्टाइल पे, हाइजीन पे पूरा आपको बताएंगे। अगर आपको भी ट्रीटमेंट चाहिए, प्लांटर वॉर्ट है या जेनाइटल वॉर्ट है, तो आप जेनाइटल वॉर्ट का लेक्चर देख सकते हैं, और कंसल्टेशन के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पे अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें।